हाय समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे प्रोटीन, उससे पहले हमने देखा था प्रोटीन का Part-1। तो फूड न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमने बात की थी प्रोटीन की। प्रोटीन क्या होता है? अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। प्रोटीन से पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। तो छोटा सा टॉपिक आता है कि एमिनो एसिड होता क्या है, तो आज उसी पर बात करने वाले। एमिनो एसिड क्या होता है? एमिनो एसिड का फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है। इसमें आर क्या है? एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह। अब एल्किल समूह क्या होता है वो आगे जाके हम बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री में इसकी बात करेंगे प्रॉपर। अब देखिए एमिनो एसिड होता क्या है? तो एमिनो एसिड होता क्या है, जब भी हम खाने के थ्रू प्रोटीन शरीर में लेते हैं तो हमारा जो पाचन तंत्र है वो उस प्रोटीन को तोड़ के एमिनो एसिड का निर्माण कर देता है, ठीक है। अब जो एमिनो एसिड बना, जब हमें फिजिकल एक्टिविटीज करनी होगी तो वो एमिनो एसिड को वापस दोबारा फॉर्म होकर वो प्रोटीन बना लेता है, ठीक है। तो एमिनो एसिड बेसिकली क्या करता है, प्रोटीन बनाने के लिए कुछ जद्दोजहद करता रहता है, ठीक है। अमीनो अम्ल क्या होता है? प्रोटीन बनाने के लिए जद्दोजहद करता रहता है। हमें पता है कि प्रोटीन का क्या क्या यूज है हमारे शरीर में, फिजिकल ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये हमने सब देखा था, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, प्रोटीन काम करता है बिल्डिंग स्ट्रक्चर की तरह। तो एमिनो एसिड ये हो गया। अब एमिनो एसिड टोटल होते हैं 20 टाइप के, ठीक है। उसको हमने क्लासिफाई किया फर्दर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब क्या? जो हमें जरूरत है, आवश्यक है हमारी बॉडी को। अब आवश्यक कैसे होंगे? आवश्यक का मतलब क्या? तो वे अमीनो एसिड जिन्हें हमें भोजन के रूप में लेना आवश्यक है, अमीनो एसिड दैट आर नेसेसरी इन आवर फूड, तो उन्हें हमें लेना ही पड़ेगा। क्यों बताया मैंने कि अमीनो एसिड हम लेंगे तो वो आगे क्या बनाएगा? प्रोटीन फॉर्मेशन। और प्रोटीन बनेगा तो हमारी फिजिकल ग्रोथ प्रॉपर तरीके से होगी, हमारी मसल फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से होगी, हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम करेगा। तो अगर हमने एसेंशियल अमीनो एसिड प्रॉपर फूड में नहीं लिए तो हमें क्या क्या हो सकता है? हमारा इम्यून सिस्टम गड़बड़ा सकता है, हमारी मसल फॉर्मेशन में प्रॉपर मसल फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हमें एसेंशियल अमीनो एसिड की नीड होती है, एसेंशियल अमीनो एसिड हमें लेने पड़ते हैं। तो ये टोटल होते हैं 9, जिसमें से मैंने आपके सामने दो एग्जांपल लिखे, मिथियोनिन और लाइसिन। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? एमिनो। उसके बाद बात करें हम नॉन एसेंशियल की, अनावश्यक अमीनो अम्ल। नाम से पता चल रहा है कि इनकी हमें जरूरत नहीं होती, ये हमारी बॉडी खुद फॉर्म कर लेती। कैसे? ये अमीनो अम्ल हमारे शरीर में खुद संश्लेषित होते हैं। दीज आर द सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। ये हमारा जो शरीर है इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है आपस में, ये खुद नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को फॉर्म कर लेती है। इसके टाइप क्या क्या है? ग्लाइसिन और टायरोसिन। इसका एग्जांपल होगा ग्लाइसिन और टायरोसिन। इसकी ट्रिक क्या होगी? जीटी। तो टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, जिसमें 9 आ गए एसेंशियल जिन्हें हमें बाहर से लेने की जरूरत होती है, और 11 वो होते हैं जो हम अंदर केमिकल रिएक्शन के थ्रू, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन के थ्रू इजिली जनरेट हो जाते हैं। यहां तक क्लियर? तो ये हो गया हमारा अमीनो एसिड। मतलब अब हमारा प्रोटीन वाला जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर हमने आगे फूड न्यूट्रिएंट देखे थे, उसमें प्रोटीन के बाद क्या था? कार्बोहाइड्रेट। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट की चर्चा करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, कार्बोहाइड्रेट। मैं आपको बताया कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो हमें डेली रूटीन का वर्क करना होता है उसके लिए हमें एनर्जी जो प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे? ये प्रतिदिन ऊर्जा के स्रोत होते हैं, इट इज अ डेली सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज अ डेली सोर्स ऑफ एनर्जी। ये प्रतिदिन ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? जब भी हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेंगे, मतलब एनर्जी लेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? बेसिकली एनर्जी तो है, तो हम जब भी एनर्जी लेंगे उससे हमें जो भी काम करना है तो उस एनर्जी की हेल्प से ही तो हम क्या करेंगे? काम करेंगे, अपना फंक्शन करेंगे। हमारी बॉडी का फंक्शन क्या है? ये हाथ पैर हिलाना, मुंह को चलाना, तो इसमें सब में क्या होगी? एनर्जी वेस्ट होगी। तो वो सब मेरे को कहां से मिलेगी? जो मैंने आज भोजन खाया उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट था उससे मेरे को ये सब एनर्जी मिली। यहां तक क्लियर? ये
कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इट इज मेड ऑफ सी कोमा एच कोमा ओ। कार्बन को बोला हमने सी, हाइड्रोजन का जो वो होता है एच और ऑक्सीजन का जो प्रतीक होता है वो होता है ओ। कार्बन का सिंबल हो गया सी, हाइड्रोजन का सिंबल हो गया एच, ऑक्सीजन का हो गया ओ। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सी एच ओ, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। जिसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी एच ओ से तो मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो हर किसी कार्बोहाइड्रेट में 2:1 का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमटीआर, एमटीआर मींस मारो कूटे और रट्टा। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है 2:1 में। हर जगह कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो होगा वो 2:1 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, हमारे जो डेली रूटीन की जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके लिए जो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो करेगा कार्बोहाइड्रेट, और सी एच ओ से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रतिदिन के क्रियाकलापों के लिए प्रतिदिन के क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। दे प्रोवाइड दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर डेली रूटीन एक्टिविटीज। ठीक है, They provide energy for daily routine activities. प्रतिदिन की क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा प्रदान कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। जिस दिन हम खाना नहीं खाते तो हमारी बॉडी में से जो एनर्जी मिलती है, बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, फैट। मैंने आपको कल भी बताया था, या आगे हम लिखेंगे भी, कौन सबसे पहले ऊर्जा देता है शरीर को, कौन बाद में देता है, ये बाद में सब हम पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे। जब हम पढ़ लेंगे वसा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, उसके बाद में सब आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस बताऊंगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, सी एच ओ से मिलकर बने होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है 2:1। ये हम क्या करते हैं, डेली रूटीन की जो एनर्जी है वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। यहां तक क्लियर है। उसके बाद सोर्स क्या क्या होंगे इसके, कहां कहां से मिल सकता है हमें, गुड़, शक्कर, गन्ना, शहद, फल, अनाज, बिस्किट आदि। ठीक है, गुड़, शक्कर, गन्ना, शहद, फल, अनाज, बिस्किट आदि। तो ये जो चीजें हम बेसिकली जो जो हम फूड में खाते हैं जनरली सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो गुड़ से, शक्कर से, गन्ना से, शहद से, फल से, अनाज से, बिस्किट आदि, इन सब से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। यहां तक ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सरल कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं, जिन्हें शर्करा सुगर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश लिख लीजिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर स्वीट इन टेस्ट
नॉन एज शुगर। ठीक है, तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो टेस्ट में हमेशा स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं नेचर में, तो उनको बोलते हैं शर्करा या शुगर। अब बात आती है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो देखिए, हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट क्या था, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो होगा जैसे ही हमने भोजन लिया तो जो भी हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिस सोर्स से प्राप्त कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने गुड़ को ही खाया, मैंने गुड़ खाया, अगर वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हुआ तो फटाफट से मेरे को जो मेरे को डेली रूटीन की एक्सरसाइज करनी है, डेली रूटीन की एक्टिविटीज करनी है, उसके लिए मेरे को एनर्जी फटाफट से मिल जाएगी। तो बेसिकली सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है, या सोचिए अगर जब भी मैं कुछ खाऊंगा तो अंदर केमिकल रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो जितना जल्दी वो कार्बोहाइड्रेट में टूट जाए उतना जल्दी मैं काम कर पाऊंगा, मतलब उतनी जल्दी मेरे शरीर को एनर्जी मिल जाएगी। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। इसका मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट की अगर एब्जॉर्प्शन एबिलिटी देखूं तो सबसे ज्यादा होती है, कम समय में सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फटाफट से घुल जाते हैं शरीर के अंदर, हाँ कि ना। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं जिन्हें शर्करा कहते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं फटाफट से जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट। इतना समझ लीजिए, यहां तक ये चलो। उसके बाद होता है प्रतिदिन आहार में सर्वाधिक मात्रा कार्बोहाइड्रेट की होती है। प्रतिदिन आहार में सर्वाधिक मात्रा कार्बोहाइड्रेट की होती है, द हाइएस्ट इनटेक ऑफ The highest intake of carbohydrates in daily diet. जो हम डेली का जो फूड लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर हम फूड न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, और वो कितना होता है, वो होता है अप्रोक्स 55-60%। ठीक है, तो प्रतिदिन आहार में जो हम सर्वाधिक मात्रा जिस चीज की लेते हैं फूड न्यूट्रिएंट्स में, होता है हमें कार्बोहाइड्रेट। क्यों, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा एक्टिविटीज ही तो करनी है, हाँ कि ना। तो हमें एक्टिविटीज करने के लिए सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। यहाँ तक ठीक, मैं तो बार बार इसलिए रब कर रहा हूँ क्योंकि नीचे का जो एंगल है नहीं इतना कि नीचे का आपको दिख पाए, इसलिए मैं बार बार इसको रब करता जा रहा हूँ। ठीक है, आप जहां भी कोई प्रॉब्लम हो पोस्ट कर लीजिएगा या वीडियो को ऑफलाइन करके आप इजीली देख सकते हैं। उसके बाद बात करें हम किसी भी विलयन में विलयन को बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी विलयन में शर्करा का मापन होता है मेजरमेंट, शर्करा का मापन ठीक है। तो कोई भी सॉल्यूशन है उसमें हमें देखना है कि शुगर कंटेंट कितना है, शुगर का मेजरमेंट करना है, तो जिस हम डिवाइस से करेंगे उसका नाम है सैकरोमीटर। तो सिंपल सा कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकता है, अभी तक जो कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा उसमें से दो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो होता है 2:1, मैंने बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 2:1। अब एग्जामिनर क्या कर सकता है, ऑप्शन ऐसे दे 1:1/2, 1:1, 3:1, 4:1, बताओ आंसर क्या होगा, आंसर ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कुल मिला के हाइड्रोजन जितना है उसका ऑक्सीजन क्या है, आधा। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन क्या है, 1/2। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस आपको एग्जाम में ही लगाना है, मैं तो आपको सिंपल सा बता सकता हूँ कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 2:1। हो सकता है वो 4:2 दे ऑप्शन में, तो 4:2 भी सही। ठीक है,
तो आइडियल ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 2:1। फिर एक क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बने होते हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहां तक ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, ये कोई भी सॉल्यूशन है हमारे पास उसमें हमें शुगर का मेजरमेंट करना है, शुगर को मापना है कि उसमें शुगर कंटेंट कितना है, तो हम किस डिवाइस से करेंगे, उसका नाम है सैकेरीमीटर। यहां तक ठीक है, चलिए उसके बाद पॉइंट आता है। आपने प्लेयर देखे होंगे, तो खिलाड़ी कोई भी गेम खेलता है या फटाफट से चोट लग जाती है उसको, फिर उसको दोबारा खेलना है, तो सब फटाफट से कार्बोहाइड्रेट लेता है। क्यों? क्योंकि उसे एनर्जी सबसे पहले क्या कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट ही देगा। तो खिलाड़ी खेलने से पहले कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। अब ये बात ध्यान रखिए, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकते हैं कि एक व्यक्ति है ए, वो कोई गेम खेल रहा है, मान लो टेनिस खेल रहा है, उसको अचानक से गेम में उसके लग जाती है, लेकिन रेफरी ने जो उसे ब्रेक दिया है वो 5 मिनट का ही दिया है। तो 5 मिनट के ब्रेक के बाद ऑब्वियसली अगर कोई लगेगी तो खून बहेगा तो उसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो सबसे पहले यदि उसे ऊर्जा चाहिए तो वो किससे प्राप्त कर सकता है, उसका क्रम क्या होगा, तो आपको ऑप्शन दे दिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फलाना दिमागा। तो आप किससे टिक मारेंगे, कार्बोहाइड्रेट को, कि खिलाड़ी कोई भी खिलाड़ी हो वो खेलने से पहले सबसे पहले क्या लेगा, कार्बोहाइड्रेट, या कोई भी व्यक्ति हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ही लेना है, सबसे पहले मेरी बॉडी को फटाफट से एनर्जी चाहिए, मैं मरा हुआ सा हो रहा हूँ, बेसुध सा हो रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरे को क्या दे दो, कार्बोहाइड्रेट दे दो, तो मेरे को मेरे बॉडी के अंदर क्या जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। क्लियर? चलिए अब हमने बताया कि जो हम डेली का जो फूड ले रहे हैं उसमें फूड इंटेक कर रहे हैं उसमें 55-60% कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हमें बेसिकली ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा, हमें कार्बोहाइड्रेट से क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, और भोजन में क्या होता है 55-60% कार्बोहाइड्रेट होता है, तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा हमेशा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमेशा किलो कैलोरी में ही मापते हैं, ठीक है। ऊर्जा के मात्रक होते हैं हमारे फिजिक्स में पढ़ेंगे, जूल होता है, कैलोरी होता है, आरजू होता है, ठीक है। तो लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें इसकी यूनिट की, तो हमेशा इसे किलो कैलोरी में मापते हैं, कैलोरी में भी नहीं, किलो कैलोरी। क्लियर है यहां पर? एनर्जी रिसीव्ड from food is measured by is energy received from food is measured in kilocalorie, ठीक है। एनर्जी रिसीव फ्रॉम फूड इज मेजर्ड इन kilocalorie, जो भी हम भोजन से ऊर्जा प्राप्त करेंगे उसमें हमेशा kilocalorie ही मापते हैं। अब थोड़े डेटा से आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा है। अगर हम बात करें कि एक हेल्दी मैन है, स्वस्थ पुरुष है, तो उसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है उसे कितना कार्बोहाइड्रेट डेली नीड होना चाहिए, तो अगर वो रेस्ट कंडीशन में विश्राम अवस्था में, तो उसे 3000 किलो कैलोरी डेली कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है,
और यदि वो कुछ काम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, तो उसे 4000 किलो कैलोरी की नीड है। ये किसकी बात की हमने? हेल्दी मैन की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्वस्थ महिला की, हेल्दी वुमेन या लेडीज। ठीक है, वही दैनिक आवश्यकता, डेली रिक्वायरमेंट, ये हो गया इसका, इसका विश्राम, ये हो गया इसका परिश्रम, और ये हो गया गर्भावस्था के दौरान प्रेगनेंसी। ठीक है, इंग्लिश लिख लीजिएगा, रेस्ट कंडीशन, हार्ट कंडीशन और प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो कितना कितना चाहिए? यूनिट क्या हो जाएगी? किलो कैलोरी। ठीक, तो जो हेल्दी वुमेन है उसकी डेली रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट की कितनी, यदि वो रेस्ट कंडीशन में विश्राम अवस्था में, तो उसे 2100 किलो कैलोरी रोज की चाहिए। यदि वो कुछ काम करती है, परिश्रम कर रही, तो उसे 2500 किलो कैलोरी चाहिए। यदि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसकी प्रेगनेंट हो रखी हो, तो उसे चाहिए 2800 किलो कैलोरी। तो ये है हमारी कार्बोहाइड्रेट की डेली रिक्वायरमेंट हेल्दी मैन और हेल्दी वुमेन की। अब बात करते हैं हम कि अकॉर्डिंग टू कार्बोहाइड्रेट हम बात करें बीपीएल, बीपीएल की जो लिमिट है, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, ये गवर्नमेंट ने कुछ आंकड़े डिसाइड कर रखे हैं इसके। ठीक है, तो बीपीएल क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल हम देख रहे हैं पोषण की दृष्टि से। ठीक है, हम बात करते हैं पहले शहर की, गांव की, ठीक है, शहर की बात करते हैं और हम बात करते हैं गांव की। तो गांव में यदि है 2400 किलो कैलोरी और शहर में है यदि 2100 किलो कैलोरी। ठीक है, हमने क्या देखा? हमने इससे पहले देखा था कि हेल्दी मेन और हेल्दी वुमेन को डेली रिक्वायरमेंट कितनी है कार्बोहाइड्रेट की। इसके बाद हम देख रहे हैं कि बीपीएल की पोषण की दृष्टि से कौन बीपीएल कैटेगरी में आएगा, कौन नहीं आएगा। तो अगर शहर में व्यक्ति रह रहा है और उसे डेली रिक्वायरमेंट, उसकी जो नीड है 2100 किलो कैलोरी की होनी चाहिए। यदि उसे 2100 किलो कैलोरी से कम कार्बोहाइड्रेट रिसीव हो रही है डेली की, तो वो आ जाएगा कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहा है। यदि हम गांव की बात करें, तो गांव में ऑब्वियसली बात है लोग ज्यादा मेहनत करते हैं। तो गांव में यदि 2400 किलो कैलोरी से किसी को कम एनर्जी प्राप्त हो रही है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो उसे हम मानेंगे कि वो बीपीएल कैटेगरी का व्यक्ति है, मतलब वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वह अपनी जो जीवन है उसको गरीबी रेखा से नीचे यापन कर रहा है। ठीक है, तो आज हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या था? CHO से मिलकर बना है, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो था 2:1। ये क्या करता है? डेली रूटीन की जो हम एक्टिविटीज करनी है उसके लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। उसके बाद हमने देखा कि जो किसी भी सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन होगा, उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन चेक करनी है या एनर्जी कंसंट्रेशन चेक करना है, तो हम किससे करेंगे? सैकेरियोमीटर से। या शुगर कंटेंट चेक करना है तो मैं किससे करूंगा? सैकेरियोमीटर से। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो भी कोई खेलता है आदमी, तो खेल खेलने से पहले कार्बोहाइड्रेट को लेता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि गांव की जो महिलाएं या हेल्दी मेन है उन्हें कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए डेली रिक्वायरमेंट, जो हेल्दी वुमेन है उनकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा बीपीएल पोषण की दृष्टि से शहर वालों को यदि 2100 से कम मिलता है तो वो बीपीएल में है, गांव वालों को 2400 से कम में मिलता है तो वो है बीपीएल में। तो ये आज हमने कार्बोहाइड्रेट का एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा। उसके आगे वाली क्लास में हम देखेंगे कि कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से शुगर में पाया जाता है, ये सब चीजें देखेंगे। तो प्लीज, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।